और इंसुलेशन थोड़ा बहुत ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हम दोबारा चढ़ा देंगे। ठीक, बस इतना, बिल्कुल चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिपकाएंगे, यहाँ से बेंड होने का डर रहेगा। अब मोटे वाले पाइप के लिए, अब गाइस देख सकते हैं इसके ऊपर देखिए एक स्प्रिंग ये चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग इसीलिए होता है, नए एसी पे यहाँ पे स्प्रिंग एक चढ़ा रहता है कि आप पाइप को यूँ हाथ से मोड़ें तो पाइप वहाँ से पंच ना हो। यही कुछ टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, ये मार्केट में मिलते हैं। ये अभी यहाँ पे फ्लेयर नट का हिस्सा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं चढ़ पाएगा। नहीं तो अगर ये कुछ ना लगा, केवल पाइप रहे, तो बहुत ईजिली ये उसके ऊपर चौड़े वाले पाइप के ऊपर, आधे इंची पाइप के ऊपर ये चला रहता है, और फिर आप पाइप यूँ यूँ मोड़ेंगे तो ये एक तरह से सपोर्ट दिया रहता है, पाइप कहीं पंच नहीं होने पाता। एक इसी तरह का एक और स्प्रिंग ये आता है, ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी भी ये इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि इसका मुंह आगे से थोड़ा पतला है, केवल पाइप के अंदर ये इजीली चला जाता है और फिर आप पाइप को इजीली बेंड कर सकते हैं, पाइप पंच नहीं होगा। अब इस केस में आगे नट लगा हुआ है, हम ये जो कंपनी ने जो स्प्रिंग दिया है इसी के बदौलत इसको धीरे से बेंड करेंगे। तो अब हम इसे धीरे से बेंड करेंगे और इस तरह बेंड करेंगे कि इसमें बहुत तगड़ा पंच ना पड़ने पाए, और जैसे जैसे ये कॉपर पुराना होता है ये पाइप थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बहुत ज़्यादा इसे इसलिए नहीं मोड़ेंगे, नहीं तो पंच हो जाएगा, पंच हो जाएगा तो गैस के फ्लो में ये दिक्कत करेगा। थोड़ा थोड़ा करके हाथ से इसे सपोर्ट दे दे करके इसे बेंड करेंगे, कायदे से तो स्प्रिंग के भरोसे ही करें, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब देख सकते हैं दोनों पाइपों को मैंने इस तरह कुछ बेंड कर दिया, स्प्रिंग को पीछे कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, ये तार यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा था, आपको याद होगा मैंने छोड़ दिया था, वही तार देखिए मैं खींच रहा हूँ, वो काम आ रहा है। अब इधर के भी फ्लेयर नट के ऊपर जो टेप लगे थे, इनके मट्टी ना जाए, ये हटा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्लेयर बना हुआ है और फ्लेयर नट भी चढ़े हुए हैं, इसको फ्लेयर नट बोलते हैं, इसको फ्लेयर बोलते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए गाइस, फ्लेयर बैठ गया और नट को हम हाथ से टाइट कर देते हैं, और हाथ से ही काफ़ी कस गया। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें भी यही काम, देखिए इधर ये फ्लेयर एडजस्ट हो गया, और फिर से अब इसका भी नट हम ला के पहले हाथ से ही इसको कसेंगे, कम से कम 3-4 चूड़ी हाथ से ही जाए। ठीक, अब इसको टाइट करते वक्त जब एक समय का ये टाइट होने लगा, तो ये पाइप इस वाले नट को ये लेके साथ में घूमने लगेगा, पाइप डैमेज हो, तो यहाँ पे डबल रिंच आपको लगाना पड़ेगा, एक से आप रोकेंगे एक से टाइट करेंगे। पहले ऐसे ही टाइट करते हैं, लीक होगा तब टेफ्लॉन एफ्लॉन लगाया जाएगा, है ना। और जब पाइप टाइट हो जाए फुल टाइट, तो जगह जगह इसे क्लिप से रोक देंगे ताकि हिले ना, जैसे ये पाइप रुका हुआ है क्लिप से। ठीक है, ये वाला क्लिप से देखिए रुका है, इधर देखिए क्लिप से रुका है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए क्लिप से रुका हुआ है, इसी तरह पाइप को सिक्योर कर देंगे। पाइप बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि रेनोवेशन हो, पेंटिंग हो, कोई और कारीगर आए, कोई कुछ और काम करने के लिए कोई टेक्नीशियन आए, तो भी पाइप ये हिलने नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हिलेंगे उतनी ज़्यादा गैस लीकेज की संभावना बढ़ जाएगी। अब इसको देखिए इस तरह फुल टाइट करेंगे पूरी ताकत से, हालांकि अभी फिर से चेक होगा। अब छोटे वाले फ्लेयर नट को भी इसी तरह टाइट कर देंगे फुल टाइट। और इतने हिस्से की स्लीविंग जो है वो हम बाद में करेंगे जब यहाँ पे लीक चेक हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, नए एसी में भी ये पॉइंट और वो दोनों पॉइंट चेक करने जरूरी हैं। ठीक है, चाहे नया एसी हो, चाहे पुराना एसी हो, चाहे शिफ्ट हो रहा हो, जब भी इंस्टॉलेशन होगा ये दो पॉइंट और वो दो पॉइंट, यहीं से गैस लीक होने की मैक्सिमम संभावना है, तो इनको अच्छे से चेक जरूर करेंगे। अब अगर नया एसी है तो आप क्या करेंगे कि आउटडोर में तो गैस पहले ही से भरी होगी, आउटडोर यूनिट पर आप जा करके वैक्यूम पंप लगा के आप वैक्यूम करेंगे अगर नया एसी है तो। और अगर जो एक बार पहले जो यूज़ हो चुका है या शिफ्ट कर रहे हैं वो एसी है, तो आप पहले प्रेशर डालेंगे पूरे सिस्टम, प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर डालेंगे पूरे सिस्टम में, एयर का प्रेशर डालेंगे यहाँ पे और दो जो वहाँ ऊपर जो नट है आउटडोर पे वहाँ पे बस लीक चेक कर लेंगे। अगर 2-3 घंटे तक प्रेशर जो है वो डाउन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं लीक नहीं है, उसके बाद फिर हम लोग वैक्यूम करेंगे जैसे नए एसी में कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग गैस डाल सकते हैं। और नया अगर एसी है तो केवल गैस खोलनी होगी, गैस डालने वाला प्रोसेस गायब हो जाएगा। तो गाइस आपने देखा नीचे के फ्लेयर नट जो इंडोर के पास से दोनों टाइट कर दिए हैं, ऊपर के फ्लेयर नट दोनों टाइट हो गए हैं, पाइपिंग हो गई है, कनेक्शन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर नया एसी है तो आउटडोर में आपके गैस है,
इंडोर में आपके हवा भरी हुई है और इन पाइप्स में भी हवा भरी हुई है, ठीक है, और इनकी लीक भी चेक करनी है। ऐसे केस में आपको ये एक गेज चाहिए, ठीक है। ये गेज आता है जो कि बताएगा, गैस का प्रेशर भी बताएगा, एयर का प्रेशर भी बताएगा। सिंपल एक गेज है। इसमें आपको दो ये चार्जिंग लाइन चाहिए, इन पाइप्स को चार्जिंग लाइन बोलते हैं। एक ये कंप्रेसर चाहिए, ये फ्रिज का पुराना कंप्रेसर है, यही वैक्यूम पंप का काम करेगा, यही प्रेशर पंप का भी काम करेगा, ठीक है। यही एयर सक भी कर लेगा, यही एयर पंप भी कर देगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले एयर पंप करके मैं इन जॉइंट्स की लीकेज और नीचे जो इंडोर के पास जो दोनों जॉइंट्स हैं उनकी लीकेज में चेक करने वाला हूँ। यहाँ से इस डेड नट को खोल लेंगे, ठीक है। यहीं से गैस चार्जिंग भी करी जाती है, और अगर नया एसी है तो भी आपको इन जो दो लंबे लंबे पाइप्स गए आपके इंडोर तक, इसको और अपने इंडोर यूनिट का तो लीक आपको चेक करना ही करना है। अगर नया एसी है तो भी, क्योंकि दो जॉइंट्स तो ये नए लग रहे हैं ना, ये दो जॉइंट्स और नीचे वहाँ वाले जॉइंट्स। तो ये स्टेप चाहे नया एसी हो, चाहे री इंस्टॉलेशन हो, चाहे फ्रेश इंस्टॉलेशन हो, ये स्टेप सभी में होगा ही। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, चाहे तो प्लास से थोड़ा सा और टाइट कर देंगे। और इसका दूसरा सिरा, ये वॉल्व खुला रहेगा, देखिए खुला हुआ है, ठीक है, लूज है ये, मतलब एयर यहाँ से सीधे जाके इसमें जाएगी। यहाँ पे हमें पता लगता रहेगा कितनी एयर गई। ये कंप्रेसर में दो पॉइंट्स बने हुए हैं, एक सक्शन है और एक डिस्चार्ज है, ठीक है। एक से हवा जाएगी, एक से हवा खींचेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले कंप्रेसर को और देख लेते हैं किस वाले से हवा पंप कर रहा है, उसी में लगे लगे में ही इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो गाइस अब इस कंप्रेसर को ऑन करते हैं और इस आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट पूरे कॉम्बिनेशन है, पूरे सिस्टम में हम लोग एयर प्रेशर डालते हैं। अगर नया एसी है तो इसमें नहीं जाएगी हवा, क्योंकि यहाँ वॉल्व बंद रहेंगे। मेरे केस में वॉल्व खुले हैं तो एयर प्रेशर कंप्रेसर में भी जाएगा, कंप्रेसर के बाहर के जो जो आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर पाइप लगे हैं उसमें भी जाएगा, इन पाइप्स में भी जाएगा और इंडोर के पाइप्स में भी जाएगा, ठीक है, पूरे सिस्टम में जाएगा। अगर ये वॉल्व बंद रहेंगे दोनों तो केवल इन दोनों पाइप्स में जाएगा और इंडोर यूनिट में जाएगा, ठीक है। तो नया एसी हो चाहे री इंस्टॉलेशन हो, ये काम करना है। देख सकते हैं कंप्रेसर ऑन हो गया है, इससे जो है सक्शन बना रहा है, ये देखिए मेरी उंगली चिपक रही है और इससे हवा आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे और पूरे सिस्टम में हम लोग एयर प्रेशर डालेंगे। और कितना प्रेशर डालेंगे, कम से कम 300 से 350 PSI प्रेशर डालेंगे, ठीक है। इसमें ओरिंग लगी रहती है, इसमें रबड़ की ओरिंग रहती है, तो बस हाथ से ही टाइट कर देंगे, काफ़ी है। और देख सकते हैं प्रेशर थोड़ा थोड़ा राइज होना शुरू हो गया है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट है ना, इस तरह प्रेशर राइज हो रहा है। 300 यहाँ पर है, 300 350, ये देखिए 350 यहाँ पर है, तो 350 प्रेशर तक लगभग डालेंगे, 300 पे भी चेक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें कौन सी गैस पड़ेगी क्या है सब मैं आपको अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर नया एसी है तब भी आपको ये एयर प्रेशर डालने वाला काम और वैक्यूम करने वाला काम ये करना है। मैंने कई टेक्नीशियंस को देखा, नया एसी आता है और वो वैक्यूम नहीं करते हैं, सीधे उठा के आउटडोर जब बस पाइप जोड़ा, हल्का फुल्का लीक वैक्यूम करते देखा दाखा और उसके बाद यहाँ से वॉल्व खोल दिया, और वॉल्व खोल के गैस से ही लीक चेक करते हैं। गैस से नहीं लीक चेक करनी चाहिए, लीक हमेशा एयर से चेक करिए, गैस से नहीं। गैस लीक करेगी तो फिर गैस कम हो जाएगी ना आपके यूनिट में।